गणधर वलय में अड़तालीस नमस्कार है। कहीं 47, कहीं 44 भी मिलते हैं और उन नमस्कारों में नमो जिनाणम से लेकर के भयवदो महदि महावीर वड्डमाण बुद्धि सिनु चेदि तक के नमस्कार आते हैं। और उन नमस्कारों में एक ऐसा नमस्कार है, नमो अखीण महानसाणम, गौतम गणधर स्वामी ने अक्षीण महानस ऋषियों को नमस्कार किया है। ये क्यों, कौन होते हैं अक्षीण महानस वाले? महानस का तो अर्थ रसोई होता है और अक्षीण महानस का अर्थ क्या होता है? तो अक्षीण महानस उस रिद्धि को कहा गया है जिसको प्राप्त करने वाले साधु जब आहारचर्या के लिए जाते हैं तो उनके इस कर पात्र में, वो करपात्री होते हैं निर्ग्रंथ मुनि, तो उनके कर पात्र में यानी हाथों की अंजलि से बना हुआ जो पात्र है उसमें कर पात्र में डाला गया भोजन, तरल हो या ठोस हो, वह उस पात्र में क्षय को प्राप्त नहीं होता। जिस बर्तन से उनकी अंजलि में भोजन डाला गया है, ठोस पदार्थ होगा तो फिर उस बर्तन से लेकर के उनकी अंजलि में दातार अपने हाथ से डालेगा, और यदि ठोस न हुआ तो फिर उस पात्र से उनकी अंजलि में वो पेय पदार्थ डालेगा, पर परिणाम क्या निकलेगा? जिनको ये रिद्धि प्राप्त है उनकी अंजलि में डाला हुआ पदार्थ जिस पात्र में है उसमें अक्षय हो जाएगा, सूर्यास्त तक वह पात्र भरा का भरा रहेगा। उसमें से आप व्यय कितना भी कर लें वो पात्र रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा। उसमें से चक्रवर्ती की सेना भी भरपेट भोजन क्यों ना कर ले, पात्र भरा का भरा रहेगा। तो ये अक्षीण रिद्धि आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव स्वामी को थी, जब उन्होंने तपस्या की थी तब ये रिद्धि उनको प्राप्त हुई थी। पर तपस्या से पूर्व एक भूमिका बनी, दीर्घ काल तक उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया और जब इंद्र के मन में विचार आया कि इनकी आयु का बहुभाग तो व्यतीत हो चुका है, फिर कब दीक्षा लेंगे, कब इनकी देशना होगी,
कब जीवों को मोक्ष का मार्ग दर्शाएंगे? समय तो बहुत निकल चुका है। तब उन्होंने एक उपक्रम किया। वो उपक्रम बड़ा विचित्र था और सामान्य जनता की बुद्धि से परे था। उन्होंने एक अप्सरा से कहा, देवांगना से कहा, इंद्र ने अपने ज्ञान से जान लिया कि इस देवांगना की आयु पूर्ण होने को है। भले ही देव अमर कहलाते हैं लेकिन कहने के लिए अमर होते हैं, वास्तव में सबकी आयु पूर्ण होती है। तो उस देवांगना को चुना और उससे कहा कि आज आदि ब्रह्मा ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान की जन्म जयंती है, चलो उनके राजभवन में हम कार्यक्रम करेंगे और तुम्हें नृत्य करना होगा। और एक अन्य देवांगना से भी इंद्र ने कहा कि जैसे ही इसका विलय हो तुम इसके स्थान पर यथावत नृत्य को प्रवर्तमान रखना, जारी रखना। कार्यक्रम में विघ्न न उत्पन्न हो, तुम्हें बिल्कुल उसी रूप में आकर के कार्य करना है। और इतना व्यवस्थित वो कार्यक्रम था कि उस समय जब वो सब उत्सव चल रहे थे और नृत्य का समय आया तो नीलांजना उस देवांगना का नाम था, उसने संगीत ताल पूर्वक और गीत पूर्वक भव्य नृत्य प्रारंभ किया। ऐसा नृत्य कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और नृत्य देखते देखते सब मंत्र मुग्ध हो गए। जब नृत्य पूर्ण हुआ तब किसी को आभास भी नहीं हुआ कि बीच में क्या घटना घटित हो चुकी है, लेकिन प्रभु ने जान लिया, वृषभदेव भगवान ने समझ लिया कि यह प्रथम नीलांजना नहीं, यह कोई अन्य है। और उसका विलय होते ही इसने उसका स्थान ले लिया और इतनी कुशलता से कि किसी को भान न हो सका। पर मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये वो नहीं है। और बस इतनी घटना उनके लिए पर्याप्त थी और उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तो अवधि ज्ञान वगैरह सब प्रारंभ से थे। उनकी दिशा बदल गई। उन्होंने ये निर्णय किया कि अब ये राजकाज बहुत हो चुका है, अब मेरा दूसरा समय है, यहाँ रुकने में सार नहीं है, जो कर्तव्य करने थे पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए मुझे अब तपस्या करनी है।
तपस्या का विचार बनाकर वो निकल पड़े। और जब निकल रहे थे तो लोकांतिक देवों के आसन कंपित हुए, उन्होंने आकर के अनुमोदना की, उनके पुत्र पुत्रियां भी पिता के इस अनोखे निर्णय पर अचंभित थे, विस्मित थे कि पिताजी क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय तक कोई ऐसी व्यवस्था इस नई धरती पर नहीं थी कि कोई दीक्षा ले, तपस्या करे, संन्यास धारण करे, ऐसी कोई घटना किसी ने कभी देखी नहीं थी। तो सबसे प्रथम संन्यास धारण करने वाले आदि ब्रह्मा ही थे। कल में वो सब विस्मित, और वो जो उनकी पुत्रियां थी, देखो नारी शिक्षा का प्रथम उद्घाटन आदि ब्रह्मा जी ने किया था, उन्होंने अपनी पुत्रियों को शिक्षित किया था, ब्राह्मी और कुमारी, ऐसी दो पुत्रियां थी उनकी, कुमारी का एक नाम सुंदरी भी आता है। उनको ऐसे बैठालते थे आजू बाजू और शिक्षा देते समय दोनों को दोनों हाथों से अलग अलग सिखाते थे, वो इधर अंक विद्या सिखाते थे और इधर लिपि विद्या सिखाते थे, और दोनों को विदुषी बना दिया उन्होंने। जब वो नृत्य का प्रसंग आता है तो उस समय काव्यात्मक रूप से उसका चित्रण इस प्रकार है। नीलांजना देवांगना, नीलांजना देवांगना, जन्म जयंती पर प्रभुवर की आई बनकर नृत्यांगना। नीलांजना देवांगना, जय वृषभेश्वर जय तीर्थेश्वर जय आदिश्वर प्रथम जिनेश्वर, मंगल जिन है मंगल दिन है, मंगल गाए मंगल मना। नीलांजना देवांगना, संगम नश्वर वैभव नश्वर यौवन नश्वर उत्सव नश्वर, जब देवी का विलय हो गया आई नूतन नीलांजना। नीलांजना देवांगना, तत्क्षण विनिमय अद्भुत अभिनय, नर्तन गुणमय दर्शक तन्मय, सुरपति जिनपति दोनों जाने परिवर्तन की विडंबना। नीलांजना देवांगना, प्रज्ञा जागी निद्रा भागी, निज धुन लागी लक्ष्मी त्यागी, हो वैरागी तब आदिश्वर बने तपस्वी महामना। नीलांजना देवांगना, जन्म जयंती पर प्रभुवर की आई बनकर नृत्यांगना। नीलांजना देवांगना। लोकांतिक देवों ने अनुमोदना की और उन्होंने सिद्धार्थक वन में जाकर वट वृक्ष के नीचे संन्यास अंगीकार किया, तपश्चर्या धारण की और 6 महीने तक अचल मूर्ति के समान स्थिर हो गए। फिर विचार आया
कि मुझे तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आगामी काल में सन्यासी होंगे, तपस्वी होंगे, वो मेरे समान सारे के सारे भूखे नहीं रह पाएंगे, इसलिए चलो उनको बता देते हैं भोजन कैसे लें। जो मेरे मार्ग पर चलने वाले साधु होंगे, उनको मेरे मार्ग में भोजन किस प्रकार लिया जाता है वो बताना मेरा कर्तव्य है। ऐसा विचार करके वो भिक्षाचर्या के लिए निकले, क्योंकि साधु की भोजन वृत्ति निमंत्रण पूर्वक ना होकर भिक्षा पूर्वक होती है। तो जब भिक्षाचर्या के लिए वो निकले, तो वहाँ तो किसी को जानकारी नहीं थी, ये प्रथम सन्यासी, किसको क्या पता कि क्या उद्देश्य है इनका यहाँ आने का। तो वो जहाँ भी जाते लोग उनका स्वागत करते, क्योंकि उनको ये पता था कि ये हमारे बहुत बड़े आदि ब्रह्मा, इन्होंने ही हमारा सब मार्गदर्शन किया, इन्होंने ही सब प्रजा को अपने अपने काम में नियुक्त किया है। लेकिन अब ये स्वयं यहाँ पर आए हैं, पता नहीं क्या करने आए हैं, क्या चाहते हैं। इन्होंने तो वहाँ जा कर के ध्यान लगाया था, तपस्या की थी, अब ये क्यों आए हैं यहाँ। तो कोई समझ ही नहीं पाया कि इनको भोजन दिया जाए और भोजन कैसे दिया जाए, ये तो और कठिन था उनका समझना। फिर भी कुछ लोग उनके लिए वस्त्र लेकर के आए, कुछ लोग आभूषण लेकर के आए, और अनेक अनेक प्रकार की भेंट लेकर के लोग आते, लेकिन वो ऐसे देखते और चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते। ऐसा करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए, हस्तिनापुर पहुँच गए, कहाँ अयोध्या में उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया था, अयोध्या में वो उनका साम्राज्य था, और वहाँ से वो भ्रमण करते करते सब नगर ग्राम, खेत करवट मटम्ब पत्तन सर्वत्र विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुँचते हैं। अब हस्तिनापुर में जो युवराज थे, श्रेयांश कुमार उनका नाम था, उनको रात्रि के अंतिम प्रहर में 7 स्वप्न दिखे, और वो श्रृंखलाबद्ध स्वप्न थे, माला स्वप्न थे। तो उन स्वप्न उठने के उपरांत उनने उन स्वप्नों का फल समझ लिया, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान था, सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे, और वो समझ गए कि आज कोई महान आत्मा का हमें समागम प्राप्त होगा। और वैसे ही हुआ, जब वृषभदेव भिक्षाचर्या के लिए हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए, तब दोनों भाई ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे। उनके बड़े भाई राजा सोमप्रभ हस्तिनापुर के नरेश थे, सम्राट थे, और उनकी भाभी महारानी लक्ष्मीमती भी ऐसे बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि आज कोई महापुरुष आने वाले हैं, कितने सुंदर स्वप्न थे वो, चंद्रमा, सूर्य, सुमेरु पर्वत, समुद्र, सरोवर आदि आदि बड़े सुंदर स्वप्न थे। चर्चा करते करते वो बेला हो गई, आहार वेला हो गई, और जब वो आए तो हस्तिनापुर में खलबली मच गई, सारी प्रजा शोर मचाने लगी, देखो देखो कौन आया है, कौन आया है। और वो इतने सुंदर थे, इतने तेजस्वी थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा सूर्य हो, लेकिन सौम्य भी इतने थे कि उनके तेज से किसी की आँखों को कष्ट नहीं हो रहा था, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, उनको देख करके बहुत प्रीति हो रही थी, प्रसन्नता हो रही थी। फिर जब वो निकट आने लगे, कुछ लोगों ने सोचा कि चलो इनको कुछ भेंट करते हैं,
नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करने लगे। कुछ लोगों ने तो अपनी कन्याओं तक को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया कि हे महाराज, हमारी कन्याओं को स्वीकार करो। तो अब वो सन्यासी कन्याओं से क्या लेना देना उनको, आगे बढ़ जाते हैं। पर वो अपनी धीर गंभीर प्रकृति में हमेशा स्थिर रहे। इतना सब करने के पश्चात भी उनके अंदर, उनकी स्थिरता में कोई अंतर नहीं पड़ा। और जब उस शोर को सुनकर, उस कोलाहल को सुनकर युवराज श्रेयांस का ध्यान उस ओर गया, तो उसने वहीं से झांक करके देखा कि क्या बात हो गई, नीचे प्रजाजन क्यों इतना कोलाहल मचा रहे। और जैसे ही देखा तो दूर से उनको वृषभदेव आदि ब्रह्मा भिक्षावृत्ति के लिए आते हुए दिखे। उनको देखते ही कुछ अंदर खलबली हुई, हलचली हुई, मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ और उनको पूर्व भव का स्मरण हो गया कि ओहो, ऐसा रूप तो मैंने पहले देखा है। और ये साधु हैं, ये भिक्षावृत्ति के लिए निकले हैं और अभी ये आगे चले जाएंगे। चलो अपन वंचित न रह जाए, भैया जल्दी आओ, पड़गाहन करने चलो। अब राजा सोमप्र बोलते हैं कि अनुज, ये पड़गाहन क्या वस्तु होती है? बोले कि अब मेरे पास समय नहीं है समझाने का, आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ और मैं जैसा करता हूँ वैसा करते जाओ। तो फिर वहाँ जाते हैं वो नीचे और फिर उनका आह्वान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं, हे स्वामिन, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बड़ी भक्ति के साथ, बड़े भाव के साथ वो उनको अपने यहाँ पर रोकते हैं। आइए भगवान, हमारे आंगन में प्रवेश कीजिए, हमारे घर को पवित्र कीजिए, आपकी चरण रज से हम धन्य हो जाएंगे, आइए महाराज। उनको अंदर ले जाते हैं, वो भी वहाँ ठहर जाते हैं। देखो, एक वर्ष हो चुका था निराहार तपस्या करते हुए। अब वो अंदर आते हैं, अंदर लाकर उनको ऊंचा आसन देते हैं, साधु के योग्य आसन देते हैं, राजाओं के योग्य नहीं, साधुओं के योग्य आसन देते हैं और उस पर विराजमान करके उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। पर चरणों का प्रक्षालन वस्तुतः वहाँ तो चौके में ला करके एक विधि के तहत किया उन्होंने। बाहर ही जब वो पड़गान कर रहे थे, जब उनको अंदर लाने का उपक्रम कर रहे थे, एक विधि होती है, तो वो तीन प्रदक्षिणा लगाते हैं गुरु की। तो तीन परिक्रमा उन्होंने जब लगाई तो धूप पड़ रही थी, उन्होंने उनकी जो परछाई पड़ रही थी उस पर पैर न रख करके तीन परिक्रमा लगाई कि गुरु की परछाई पर भी हम पैर कैसे रखें। उससे बच करके उन्होंने परिक्रमा लगाई, हाथ जोड़ करके कहा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ईष्णा शुद्धि, भोजन गृह में प्रवेश कीजिए। लेकर के आए, उच्चासन पर आसीन हुई है, और फिर हे प्रभु, हम आपके चरणों का प्रक्षालन करना चाहते हैं, अनुग्रह कीजिए। फिर एक पात्र में उन्होंने उनके चरणों को उष्ण जल से धुलवाया और जब चरणों का प्रक्षालन हो गया तब उन्होंने भव्य पूजा की और उसके पश्चात नमस्कार किया और जब वो खड़े होकर भोजन के लिए तत्पर हुए तो ऐसे अंजलि बांधी उन्होंने
और प्रथम आहार ग्रहण किया। प्रथम आहार भी क्या था? इक्षु रस था, गन्ने का रस। और राजा, रानी और युवराज तीनों ने मिलकर के उनको वह इक्षु रस अंजलि में प्रदान किया। लेकर के पंचाश्चर्य हो गए वहाँ पर। देवों ने पुष्प वृष्टि की, रत्न वृष्टि की, बाजे बजाए, धन्य धन्य शब्दों का उच्चारण किया। मंद सुगंधित वायु प्रवाहित की और फिर भगवान वहाँ से चले गए। ये प्रथम आहार आज भी स्मरण किया जाता है और इस विधि से आज भी साधु आहार लेते हैं। काल के प्रभाव से कोई उनके समकक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन उनका भक्त तो हर कोई हो सकता है। अपन भी भक्तिपूर्वक उन प्रथम तीर्थंकर को, आदि ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं। जैनम जयतु शासन।